नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। दीपिका पादुकोण भाई साहब शाहरुख खान के लिए काफी ज्यादा लकी है और यहाँ पे एक बार फिर से दीपिका के साथ एक और गाना आने वाला है जवान का। यहाँ पे कुछ ऐसे लीक्स भी नजर आ रहे हैं जो कि आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई टाइम्स के द्वारा एक पिक्चर को शेयर किया गया है जिसके अंदर दीपिका पादुकोण और यहाँ पे जवान के हीरो शाहरुख खान नजर आ रहे हैं और यहाँ पे सॉन्ग का कैचअप चल रहा है या फिर यहाँ पे शूटिंग वाइंड अप हो चुकी है। अब यहाँ पे इस चीज की कंफर्मेशन हो चुकी है कि भाई साहब 2 जून को ही जवान को रिलीज किया जाएगा और भाई साहब जवान के जो गाने हैं उनकी शूटिंग भी अब यहाँ पे कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। उसी के साथ मैं आपके सामने एक और अपडेट को भी शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो है वो अनिरुद्ध ने एक और यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट किया था नयनतारा के साथ और यहाँ पे अरिजीत सिंह ने उस सॉन्ग को गाया था, शिप के ऊपर उसकी शूटिंग हुई है। वो भी अपडेट मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर की थी। यानी कि दो सॉन्ग्स जो है वो शूट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं तीसरे सॉन्ग की भी शूटिंग स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है या फिर कैचअप हो चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले वीक के अंदर या फिर आने वाले मंथ के अंदर बहुत बड़े गुड न्यूज पे हमें देखने को मिलते रहेंगे और बहुत ज्यादा कंटेंट भी आता रहेगा। और यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो तीनों सॉन्ग हमें नेक्स्ट मंथ के अंदर आने को मिल सकते हैं क्योंकि भाई साहब 2 जून को मूवी आने वाली है और भाई साहब जिस तरीके से इस मूवी का काम चल रहा है, जिस तरीके से छोटे लीक को यहाँ पे वायरल किया जाता है और जिस तरीके से इस मूवी का बज क्रिएट हुआ है, यकीन मानिए ये मूवी फाड़ के रख देगी। दूसरी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यहाँ पे SRK मास और एक्शन मूवीज बनाते हैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इस बंदे के मुकाबले का कोई हीरो नहीं है और इस बंदे का कोई यहाँ पे जवाब नहीं, क्योंकि भाई साहब इस बंदे का जो एक्टिंग लेवल है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है और यहाँ पे यही रीजन है कि SRK की एक्शन मूवीज को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है और ये बंदा उस एक्शन सीन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठता है और ये बंदा भाई साहब अपने एक्शन सीन के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म दिखाता है, जिस तरीके से एक्शन सीन्स के अंदर SRK को मेंटेन किया जाता है, ये काफी ज्यादा भाई साहब नेचुरली लगता है और यही रीजन है कि एक्शन मूवीज और मास मूवीज का ये बादशाह बन चुका है और ये जवान मूवी भी मैं समझता हूं कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ये न्यूज सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अगर आपने राहुल भाई को सपोर्ट नहीं किया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहे और आने वाली छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़। हरे कृष्णा।